निम्रा को तो मेरा खुद भी पता है, निम्रा ने रात में विश किया था। अल्लाह ये तमाम दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। ये होते हैं भाइयों वाले काम। इस बंदे ने जो है मेरी बड़ी हेल्प की है, बहुत ज़्यादा खुशी है। ये खूबसूरत सा बुके मुझे दिया गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रात के बज रहे हैं, ये घड़ी जो है ना 5 मिनट पूरी आगे है, 12 बज चुके हैं और डेट जो है वो आज की हो चुकी है। मैं आपको बताती हूँ क्या टाइम डेट हो चुकी है। टीवी देख रही है ये, इनको ख्याल ही नहीं है, नंद यहाँ पैदा हुई है, इनको ख्याल ही नहीं है। वेयर इज, हाँ तो सबको मेरी तरफ से सलाम। आज का जो व्लॉग है वो है, देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैसे दिखाऊं, ये देखें क्या टाइम हो रहा है यहाँ पे, पूरे 12 बज चुके हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह इतना ना हिलना, कैमरा हिल रहा है बहन। और क्या, इसको अभी दुआ तो मैंने सिखाई नहीं है, इसने क्या पता नहीं दुआ दिया, आप लोग ने इग्नोर कर दिया। तो मुझे ये बता, देखिए भाई गाइस, ज़ेबा ने मुझे विश किया है पूरे 12:01 पे, मेरी बहन ही मुझसे प्यार करती है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। कंट्रोल कंट्रोल। तो हैप्पी बर्थडे टू मी, आई लव यू सनम। आज है मेरी बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है और मैं जन्मदिन अकेले मना रही हूँ। लाइक मेरी फैमिली में किसी को भी जो है ना इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है कि इस घर में एक अदद सना खालिद भी रहती है, उसका भी जन्मदिन आता है, वो भी इस दुनिया में रहती है। सबकी वो सेलिब्रेट करे, इसकी कोई सेलिब्रेट ना करे, अलग सेलिब्रेट ना करो, एटलीस्ट मुझे विश तो कर दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी यही चीज़ें सारी नोट करने के लिए ना चलते हैं मम्मा के पास कि मम्मा इस वक्त क्या कर रही हैं और वो मुझे विश करती हैं या नहीं। पहले हम जो है ना भाभी से मिल लेते हैं। बर्थडे टू यू, थैंक यू। ये मेरी भाभी ने मुझे विश किया है, थैंक यू सो मच। और एक भाभी जो है ना मेरी इस वक्त सो रही हैं, ठीक है। तो हमारे घर ऐसा होता है कि जो रात की 12 बजे मेरी बर्थडे होती है वो सेलिब्रेट नहीं होती, यानी कि सब सो रहे होते हैं, दूसरे दिन तैयारियाँ श्यारियाँ करके केक वेक काटते हैं, तो वो इनके लिए बर्थडे होती है। अभी हम चलते हैं ऊपर मम्मा के पास और देखते हैं मम्मा से दुआएं शुआएं लें। मम्मा सो रही हैं यहाँ, 12 बज गए। अम्मा मैं पैदा हुई थी आज के दिन, तो मेरे को विश नहीं करोगी? गाइस हैप्पी बर्थडे टू मी, बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, मुझे ज़ेबा ने विश किया है, मेरी दोस्त ने मुझे विश किया है और मम्मा के पास मैं खुद गई थी, वो सो रही हैं। और आपको पता है ना जो माँ बाप होते हैं ना वो हर लम्हा हर सेकेंड हर पल अपने बच्चों की दुआ करते हैं, तो इसीलिए मैंने माइंड नहीं किया क्योंकि मम्मा सो रही थी, उठाया तो वो उठती नहीं थी, पापा थे नहीं इस टाइम। अरसलान ने मुझे विश नहीं किया अभी तक, वो आया नहीं है, पता नहीं वो बाहर क्या कर रहा है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी मुझे दुआएं देनी है, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दुआ। ये अभी रात के जो है पूरे 12 बज चुके हैं, मैंने खुद को विश कर दिया है और ब्लॉग भी मैंने जो है रिकॉर्ड कर लिया है ये थोड़ा सा हिस्सा, और बाकी जो है कल देखेंगे कल ऑफिस में दिन कैसे गुजरता है और क्या करते हैं, सुबह क्या होता है। अभी मैं सो रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और मुझे विश भी करना है। तो मिलते हैं अब सुबह। सो गाइस सुबह का वक्त है, 7 बजे का टाइम है, बच्चे तैयार हो रहे हैं अपने स्कूल के लिए। आयशा ने अपने बाल बनाए हैं, ये देखें, ये सामने नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं देख सकते तो ये इसकी पोनी है, तो देखो आयशा
ओहो, आप लोगों को पता है आज क्या है? सैटरडे है गाइस, सैटरडे। क्या है आज? बर्थडे है, तो विश मेरा प्यो आगे करेगा मुझे। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। चलो विश करो, ऐसे नहीं जप्पियां डालो। ले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अम्मी एज यूजुअल किचन के कामों में लगी हुई है, सुबह सुबह नाश्ता बनाने में। और हमारा नाश्ता बना लिया मम्मा? हैं, तो टाइम तो हो गया ना, 7:15 हो रहे हैं। चलो मम्मा जप्पी तो डालो। मम्मा मम्मा पता नहीं आगे मैं हूँ ना हूँ, कम से कम ये वीडियो देख कर तो याद करेंगे ना कि भाई सना थी। पता नहीं जिंदगी के कितने दिन रह गए। बोलिया है, अब जो है मैं चेंज करने लगी हूँ और साथ में मेरा पर्स और ये मेरे शूज रखे हैं। आज मैंने कहा कि ये फेवरेट ड्रेस है मेरा, तो इसको क्यों ना वेयर किया जाए। अभी मैं जाती हूँ, तैयार होती हूँ और उसके बाद फिर आपस में। इस ड्रेस के साथ मैंने पहन लिया है, देख सकते हैं। बट ये इसके साथ का मेरा दुपट्टा मैच करना है और मेरे पास इतने सारे दुपट्टे हैं, ये मैंने निकाले हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि साथ कौन सा अच्छा लगेगा। वैसे मुझे ये लगता है कि वो रेड के साथ हमेशा वाइट ही अच्छा लगता है, तो मुझे ये कैटर करना चाहिए। और ब्लैक भी है, पिंक भी है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा इसके साथ अच्छा लगेगा। अब मैं क्या पहनूँ, ये इतने सारे हैं अलग अलग, बट कोई भी इनके साथ मैच नहीं कर रहा। ये रेड नहीं मैंने पहना, ना ना मुझे लग रहा है या तो ब्लैक, नहीं यही अच्छा लगेगा। या ये वेयर करूँ, कौन सा अच्छा लगेगा ये अम्मा से पूछते हैं। अम्मा मम्मा, ये कौन सा दुपट्टा अच्छा लगेगा इनमें से? मैं कह रही हूँ दुपट्टा नहीं है इसके साथ, तो मैं कौन सा दुपट्टा पहनूँ? वाइट वाला, कौन सा सफ़ेद वाला पहनूँ? ये वाला हल्का सफ़ेद तो सोना लगता है सारा ही। नहीं नहीं, इन दोनों में से बताओ, ये और ये दो सफ़ेद है ना, तो दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा? ये वाला अच्छा लगेगा है। तो भाई गाइस, अम्मी ने बता दिया है कि ये वाला वाइट अच्छा लगेगा, यानी कि बीच वाला जो ज़्यादा वाइट है, ये ऑफ वाइट अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं ज़रा इसको वेयर करती हूँ। ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है पिक्चर्स वगैरह बनानी हो, तो मेरे पास दुपट्टा हो मैचिंग का थोड़ा बहुत। ब्लैक तो नहीं लूँगी मैं, ब्लैक भी ठीक है, तो मैच हो गया है। अब मैं चलती हूँ बाकी तैयारी के लिए और सामान को उसको अपनी जगह पर रखती हूँ, क्योंकि ज़ेबा उठी तो उसने मुझे इतनी बातें सुनानी है, इतनी। तो मिलते हैं मेरी तैयारी के बाद। हाँ लग जी की मैं भी, अब मैं अच्छी लगी भी सही है, हैं गुड। चलो भाई अब चलते हैं, अम्मा ने कहा है मैं अच्छी लग रही हूँ, बस अम्मा ने तारीफ कर दिया तो बस सही है, ये हकीकी तारीफ है। ओके बाय टाटा। 2000 years later। निम्रा को तो मेरा कुत्ता भी पता है, निम्रा ने रात में ये विश किया था। आप बताए, निम्रा ने निम्रा को बताया, मैंने सुबह ही ना मैंने निम्रा को मैसेज किया कॉल। सो गाइस, यहाँ से मेरी स्टार्ट होती है सरप्राइज़ की कहानी। सरप्राइज़ डे, मुझे जो है अलग जगह पर बिठा दिया, मेरा सामान सारा उठा के अलग जगह पर रख दिया, और जो मेरा केबिन था वहाँ पर जो है इन्होंने बलून्स लगाना शुरू किए। आयशा की तरफ से ये सरप्राइज़ था, तो मैं जाते हुए अपनी जगह पर जा रही थी तो मुझे रोक लिया कि यहाँ नहीं जाना है, तो मैं अपनी दूसरी जगह चली गई। फिर मैं वहाँ बैठ के लॉगिन कर रही हूँ, इतना मूड ख़राब था मेरा, तो मेरी नज़र पड़ी आयशा पे, मैंने कहा चलो लॉगिन करके ना आयशा से मिल के आती हूँ। जैसे ही मैं पहुँची, सामने बलून्स लगे हुए थे, उनका सरप्राइज़ ख़राब, उनका ध्यान बट्टा, मैं वहाँ पहुँच गई। जो वो सरप्राइज़ मुझे देने वाले थे वो सरप्राइज़ मैंने उनको दे दिया लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इमेजिन नहीं कर पाई थी कि मेरे लिए इतना कुछ कर सकती आयशा निम्रा। बहुत 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 खुश हुई आयशा की वजह से। थैंक यू सो मच आयशा, मेरा दिन इतना खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच। आई एम टू हैप्पी, आई एम टू ग्लैड।
इतना अच्छा सरप्राइज दिया इन्होंने मुझे। इट्स लाइक तूने मुझे झमेला नहीं बर्थडे विश किया। ओह माय गॉडनेस था ना तुम्हारी आज बर्थडे सच में। थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने ये करके ना लोग दिन पे लोगों को विश करते, तुम लोगों ने तमाम बना दिया। सर मैं आगे कैसे हूँ यार। शर्माना ऐसा कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसने मेरी बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाया इसने और इमरान ने। आई एम रियली हैप्पी। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। किसी बात के लिए मुझे डर इसलिए लग रहा था कि मैंने कहा इसने मुझे यहाँ बिठा दिया। अब आयशा नहीं आएगी तो मैं इनके साथ बैठूँगी क्योंकि वहाँ पे सारे चैट वो है ना इनबाउंड के। तुम इसलिए डर रहे हो? नहीं मैंने मुझे तो ये वैसे लुक वाइज बहुत ज्यादा देखी है लेकिन जब ये बात हो रही होती है और अपने चैम्स के साथ क्या कर सकती है वो। अच्छा ना सीरियस एक्टिंग की है बन सकती है। हमको सिखा रही है। गाइस आज सैटरडे है और लाइट है नहीं जिसकी वजह से जो है मुझे पता नहीं चल रहा। मैंने लाइट नहीं बना तेरी नहीं बना रही अपनी बना रही हूँ। और मारूफ आ चुका है। थैंक यू सो मच। और इसकी बर्थडे भाई इसने मुझे सरप्राइज इसकी तुम लोगों को पता है इसकी बर्थडे की डेट पता है तुम लोगों को? नहीं पता कैसी दोस्त बर्थडे की डेट नहीं पता है। अभी तो हुई थी अभी ये बर्थडे हाँ मेरी बर्थडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखो तुमने मुझे विश नहीं किया इसीलिए तो मैंने लाइट्स को बोला ऑन करें मेरा बर्थडे। हाय गाइस नासिर आ चुका है। जन्मदिन मुबारक हो बाजी। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार देखा मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सबने मुझे बहुत विश किया है। लंच लाए हो मेरे पास है ही नहीं। मैंने कहा था तुम लोग आज ट्रीट दोगे साथ चलते हैं। लंच रखने के लिए भी साथ जाएगा। लव उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और आज हसना का बर्थडे है और मैं ये ब्लॉग जो इसके लिए बना रही हूँ और मैं जो डेकोरेट वगैरह करूँगी अभी उसके लिए मैंने सरप्राइज अरेंज किया है। मैंने उसके लिए सरप्राइज दूँगी। मैंने उसके लिए केक ले लिया है और सामान वगैरह भी ले लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान वगैरह लिया है क्या मटीरियल लिया है डेकोर के लिए। सादा सा डेकोर करूँगी जितना मैं अफोर्ड कर सकती कि मैंने उतना जो है ना सामान लिया है। और मैंने सोचा है कि थोड़ा बहुत सा डेकोरेशन होना चाहिए पीछे। उसके बाद हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। उसके बाद बर्थडे ऐसे हम बर्थडे बनाने वाले नहीं थे सेलिब्रेट करने वाले नहीं थे। चलो आज कोई सरप्राइज ही दिया जाए। तो आप मैं जो है जो सामान लेकर आए जो मटीरियल लेकर आए मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें ये जो मैं मटीरियल वगैरह सब कुछ लेकर आई हूँ। देखें ये सामान मेरे पास ऑलरेडी था। ठीक है ये बर्थडे वगैरह का ये सामान मेरे पास ऑलरेडी था। देखो ये मैंने ना लगाया हुआ था तो मैंने अभी उतारा है। मैंने रखा हुआ था ये सामान मैं जो है घर पे था मेरा सामान ही घर पे था। ये बलून्स और ये स्क्रैप पेपर्स ही मैं अभी लेके आई हूँ। और मैं अनार भी लेके आई हूँ जो कि हम केक पे लगाएंगे। और केक पे आपको बाद में दिखाती हूँ जब मैं ये डेकोर कर लूँगी उसके बाद क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हम जो है अभी जल्दी जल्दी तैयार करते हैं पूरा डेकोर करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ आपको केक भी दिखाती हूँ और मैं सना कलेक्शन भी लूँगी फिर उसको कैसा लगा सकता है जो उसकी फैमिली से दिया है। तो उम्मीद है कि जो हमारे व्यूवर्स चैनल पर न्यू हैं वो उसको जो हमारे व्यूवर्स न्यू हैं वो सब्सक्राइब करें लाइक भी प्रेस करें लाइक शेयर कमेंट्स पेज पे आशा करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। मैंने ये स्क्रैप पेपर सारे लगा लिए हैं। अब बलून्स की बारी है और बलून्स को मैं फुलाती हूँ देन उसके बाद इसमें बलून्स लगाऊंगे। सो गाइस मैंने अब हैप्पी बर्थडे भी लगा और ये बलून्स मैं फुलाती हूँ देन उसके ऊपर लगाने के बाद ऑरेंज का कंट्रास्ट रखा। सो फाइनली गाइस मैंने ये डेकोर कर लिया है पूरा मैंने कर लिया है ये ऑरेंज और गोल्डन कंट्रास्ट में।
और ये टेबल भी मैंने एक अलग रख दी है, इसके ऊपर मैं भी कुछ करती हूँ। सो और आप से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और बहुत सारा ज़्यादा प्यार दें ताकि हम चाहें और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। Happy birthday to me. निम्रा थोड़ा सा खाना है, मुझे पता है कि बहुत खाती है। तो ये आपने फीसों में क्यों रख दिया? Hey guys, thank you so much for मुझे मेरी बर्थडे औसम मनाई है और आपका बहुत हाँ ये पार्सल मैं घर लेके जा रही हूँ क्योंकि अम्मा और ये सब उनको पता ही नहीं है कि मैंने अपनी बर्थडे मेरी बर्थडे कितनी अच्छी सेलिब्रेट हुई है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। थैंक यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपकी दुआ चाहिए, ईमान चाहिए, शिफा चाहिए बस। हाँ आमीन। दुआ, ईमान, ईमान और शिफा तीन चीज़ें चाहिए। अल्लाह ये तमाम दुआएं कबूल फरमाए। हाँ आमीन। ये होते हैं भाइयों वाले काम। इस बंदे ने जो है मेरी बड़ी हेल्प की है, बहुत ज़्यादा खुशी है। ये खूबसूरत सा बुके मुझे दिया गया तो आज मेरी बर्थडे बहुत अच्छी सेलिब्रेट हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं दीजिएगा। और बस इतना ही था, थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे याद रखा और मेरी बर्थडे को इतना अच्छा और खूबसूरत सेलिब्रेट किया। थैंक यू सो मच निम्रा का, स्पेशली आयशा का बहुत ज़्यादा थैंक यू, और मारूफ और नासिर ये सब इन्होंने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन मेरे साथ किया। अभी देखिए इतना सारा काम कर रहा है। और एक और मेरे क्लीग हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ना 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 चले भाई, थैंक यू सो मच। नई वीडियो के साथ तब के लिए बाय बाय।